So, hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 42 of the video lecture series of fluid mechanics, and in this lecture we are going to continue our unit second, that is kinematics of fluid flow. So दोस्तों, last lecture में हम लोगों ने unit 2 start किया था, lecture number 41 में, जहाँ पे हम लोगों ने kinematics of fluid flow का basics देखा था कि kinematics होता क्या है और हमें अपने fluid mechanics में क्या उस sense में पढ़ना है हमें, ठीक है। बेसिकली हम लोग फ्लूइड के मोशन को स्टडी करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ फ्लो को डिफाइन करेंगे। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 42 में, जहां पे बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा आज के लेक्चर में वो होगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के ऊपर, ठीक है। कि जैसे कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो वो कितने टाइप्स में फ्लो कर सकता है। ये टॉपिक आपका किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्पस से देखो तो ऑब्जेक्टिव पर्पस में क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में। उसके पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या देखना है हमें। जैसे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का मतलब क्या हो गया कि जैसे फ्लूइड है वो जो फ्लो कर रहा है उसे कितने टाइप्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लो, 1-2-3 डायमेंशनल फ्लो, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो। तो ये सारे फ्लो होते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई जब आप किसी चैनल में, किसी पाइपलाइन में कहीं कोई एक फ्लो कराओगे तो वो जो फ्लो होगा वो इनमें से कोई एक होगा या किसी दो का कॉम्बिनेशन रहेगा, ऐसे वो चल सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कोई फ्लो स्टेडी हो, ज्यादातर वो यूनिफॉर्म भी जा रहा हो, या लगता है वो लेमिनार भी हो। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि जो फ्लो हमारा, जैसे कोई फ्लूइड है वो जो फ्लो कर रहा है तो उसको हम डिफाइन किस कैटेगरी में करें। ऐसा तो है नहीं कि सारे फ्लूइड एक ही तरह फ्लो करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ में फ्लूइड्स में क्या होता है, टर्बुलेंसी ज्यादा होती है, कुछ में स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम उसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देखो कि पाइपलाइन में बहुत स्लो रखने पे क्या लेयर वाइज फ्लो हो रहा होगा, तेज रखने पे फ्लो क्या डिफरेंसेस आएंगे, तो उन सबों को हमें यहाँ पे देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं जो कि आपका है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। तो देखिए, ये एक ऐसा फ्लो है जिसमें हम लोग कह सकते हो कि जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, इन सबको हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं ये टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हैं या वेरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी पॉइंट पे हम बात करेंगे कि जैसे इसमें लाइक वेलोसिटी डेंसिटी प्रेशर, ठीक है, आर कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और नॉट, ठीक है। ये सिंपल ऐसे डिफाइन होगा कि जैसे अगर स्टेडी फ्लो की बात करें, मतलब ये दोनों फ्लो टाइम के ऊपर है, ठीक है। कि अगर किसी फ्लूइड फ्लो की, जैसे मान लो कोई फ्लूइड है तो वो फ्लो कर रहा है, अब उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है या चेंज कर रही है। जैसे मान लो हमारी स्पीड, अगर हम मान लो हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारा स्पीड थ्रू आउट हमें 40 ही रखना है तो हमारा यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। और अगर हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो मतलब क्या हो गया कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया। कि सुबह 10 बजे अगर हम एक टाइम इंटरवल लेते हैं 10 से 10-20 का, तो उस पूरे टाइम इंटरवल में उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर की है पर आवर की, तो वो हो जाएगा स्टेडी फ्लो। कि वहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम वैसे डेंसिटी वैसे ही प्रेशर। तो ये जो पहला टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है, जैसे स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक एक करके करते हैं। अगर आपने पहले स्टडी वाले पे, तो इट इज डिफाइंड एज, इसको नोट कर लो ना हो तो आप लोग, स्टडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो
स्टेडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वेलोसिटी क्वामा डेंसिटी क्वामा प्रेशर एक्सेट्रा एट अ गिवन पॉइंट डू नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि अगर किसी फ्लूइड का अगर कोई फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड फ्लो में अगर उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन डेंसिटी प्रेशर एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं मतलब वो टाइम इंडिपेंडेंट है मतलब उससे टाइम से कोई मतलब नहीं है मतलब जैसे आप कह रहे तो ऐसे कि सिंपल टाइम जो है वो टी के रिस्पेक्ट में वो कॉन्स्टेंट होंगे तो वहां पे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे स्टेडी फ्लो हो जाएंगे। तो इसको लिखना हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली तो लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है और पॉइंट हम सेम लेंगे तो पॉइंट के लिए मान लेते हैं एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो। ठीक है मतलब ये हो गया आपका कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दिए गए टाइम पे ये चीजें चेंज नहीं हो रही है। देखो डेल वी अपॉन डेल टी है और किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है आपको पता है डिफरेंशिएशन जीरो होता है कांस्टेंट का कि किसी कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो जीरो प्रोवाइड करता है। तो सेम वैसा यार डेल वी अपॉन डेल टी की अगर डिफरेंशिएशन वैल्यू जीरो आ रही है मतलब कह सकते हो कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पर डेंसिटी यानी रो यहाँ प्रेशर यानी पी। ठीक है अब यही अगर अनस्टडी फ्लो हो जाएगा तो अनस्टडी फ्लो ठीक इसका उल्टा होता है कि जब ये चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट ना हो मतलब वेरी कर रही हो कि टाइम टाइम पे इसकी वेलोसिटी चेंज जा रही हो डेंसिटी चेंज जा रहा हो प्रेशर चेंज जा रहा हो एक्सीलरेशन चेंज जा रहा हो रेट ऑफ फ्लो चेंज जा रहा है तो ये सारी चीजें जब बढ़ती जा रही हैं फ्लक्चुएट करती जा रही हैं तो उसको हम लोग कह देंगे अनस्टडी फ्लो। तो उसको लिखना हो तो अगर नोट करना हो तो नोट कर लो अनस्टडी फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो in which velocity unsteady flow is that type of flow in which velocity comma pressure comma density at a point changes with respect to time। ठीक है ऐसा फ्लो जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी ये किसी एक पॉइंट पे टाइम के हिसाब से चेंज कर रही हो मतलब जो टाइम पैरामीटर है उसके रिफरेंस से वो चेंज कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। तो ये हो गया स्टेडी फ्लो के लिए अगर यही लिखना हो अनस्टेडी के लिए तो क्या लिखोगे। ठीक है ये आपका क्या है ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये आपका स्टेडी फ्लो के लिए है। ठीक अगर यही हमको लिखना हो अनस्टेडी फ्लो तो ये चीजें वैरी कर रही हैं तो क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी नॉट इक्वल टू जीरो डेल रो अपॉन डेल टी नॉट इक्वल टू जीरो डेल पी अपॉन डेल टी नॉट इक्वल टू जीरो। ये सारे के सारे कहां के लिए एप्लीकेबल होंगे ये हो जाएंगे आपके
अनस्टेडी फ्लो के लिए, ठीक है कि भाई डिफरेंशिएशन करने पे कुछ वैल्यू मिलेगी, जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि वो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और किस रिस्पेक्ट में, टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया डिफिनेशन स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो का। अब इसमें क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि स्टेडी फ्लो इज डिफाइंड एज, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन दे देगा आपको लास्ट में इस तरीके से, इन विच फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंजेस विद टाइम विद लेंथ विद स्पेस, ऐसे कुछ कह देगा आपको। तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें सही होगा। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं आपको किसी एग्जाम में, तो इसको सही से नोट डाउन करिएगा कि स्टेडी और अनस्टेडी में टाइम वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि टाइम के रेफरेंस में हम चीजों को चेक करते हैं, अगर कॉन्स्टेंट हुआ तो स्टेडी और वेरी कर रहा है तो अनस्टेडी, ठीक है। सेकेंड वाले पे आते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अब देखिए पहला क्या था, स्टेडी एंड स्टेडी, दूसरा आ गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्मिटी से क्या समझते हो, जैसे मैं अगर इस बॉटल की बात करता हूं तो मैं कहूंगा इट इज ऑफ यूनिफॉर्म साइज, मतलब ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है इसका डायमीटर फिक्स है, इसका लेंथ फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो इसको आप कहीं भी चेक करोगे, चाहे यहां पे यहां पे यहां पे, हर जगह इसका क्रॉस सेक्शनल आपको चीजें सेम मिलेंगी। तो मतलब यूनिफॉर्मिटी से मतलब क्या हो गया कि थ्रू आउट द लेंथ वो सेम हो, ये समझ आया। जैसे आप कहते हो ना कि एक यूनिफॉर्म बॉडी है, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, किस रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में, कि मतलब जो हम लेंथ का एक पैरामीटर लेंगे नापने के लिए उसके रिस्पेक्ट में। तो अब यूनिफॉर्म फ्लो का फ्लूइड फ्लो में क्या मतलब है, मान लो कोई पाइपलाइन है 10 मीटर की, तो 10 मीटर पे अगर देखा जाए तो उस 10 मीटर लेंथ पे क्या चेंजेस आ रहे होंगे, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली इसमें पैरामीटर हम वेलोसिटी का लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं उसी के लिए लेके चलते हैं। तो इसमें जो डिफाइन होता है उस तरीके से होता है कि यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब कहने का ये हुआ कि एक हम स्ट्रेच ले लेंगे, मान लो 10 मीटर का स्ट्रेच ले लिया गया, 10 मीटर के दौरान उसकी वेलोसिटी सेम होगी कि भाई यहां से उस जगह तक जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या हो गया आपका डिफाइन करने का, वो हो गया लेंथ का पैरामीटर आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइम था कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में आ रहे हैं हम लोग, लेंथ के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। अगर फ्लक्चुएट करेगा या लेंथ पे चेंज हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। जैसे आप ऐसे देखो कि कोई पाइपलाइन होगी, उसमें पानी जा रहा होगा, तो अगर उसकी वेलोसिटी फिक्स है, जैसे मान लो कोई फ्लो आपने दिया, उसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो वो अगर ठीक है 10 मीटर की पाइपलाइन है, 200 मीटर पे वो फिक्स है, तो भाई वो यूनिफॉर्म फ्लो है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था कि एट अ पॉइंट, यहाँ लिखा ना एक्स वाई जेड वाला हिसाब किताब, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेक किए, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यूनिफॉर्म फ्लो, लिख लो लिखना हो तो, यूनिफॉर्म फ्लो में हम एक टाइम लेंगे फिर लेंथ पे लेके चलेंगे, मतलब ऐसे रहेगा कि इन यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम द वेलोसिटी at any given time does not changes with respect to space, velocity at any given time does not
changes with respect to space. ठीक है, मतलब यहां पे कह रहे हो velocity at any given time does not changes with respect to space. Space का मतलब सिंपल जगह होती है, जैसे स्पेस समझते हो वही चीज है. तो पाइपलाइन के रिस्पेक्ट में स्पेस क्या हो गया, लेंथ, जिस लेंथ पे वो फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द फ्लो. ठीक है, सिंपल स्पेस का मतलब ये होता है. तो लिख कह सकते हो इसको ऐसे, डेल वी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू जीरो, या टाइम टी इज इक्वल टू वन मान लेते हैं. ठीक है, या टाइम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लेते हैं. अब इसको अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखा जाए, ठीक है, ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए है, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म फ्लो. तो मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक पाइपलाइन है, आपके घर की पाइपलाइन फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो मोटर आपने ऑन कर दिया, पानी पंप होना शुरू हो गया. तो जो वेलोसिटी पाइपलाइन के स्टार्टिंग में है, तो अगर हम उसको चेक करते हैं टाइम इंटरवल टी दे देते हैं या टाइम टी दे देते हैं, तो एक समय पे मानो 10 बजे आपने चेक किया, तो मोटर के पास जस्ट जो पाइप कनेक्ट हुआ है वहां वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है, और जहां पानी गिर रहा है टंकी में जाके वहां वेलोसिटी उसकी 8 मीटर पर सेकंड हो रही है. तो अब ये वेरिएशन मिल गया कि एक ही टाइम पे हम चेक कर रहे हैं पर्टिकुलर लेंथ पे, तो हमें वेरिएशन मिल रहा है. तो ये एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया. लेकिन अगर टाइम टी वन रखा जाए, कोई भी टाइम ले लेते हैं, और उस समय उस पर्टिकुलर लेंथ पे उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग बोल देंगे यूनिफॉर्म फ्लो. ठीक है, मतलब कि पर यूनिट लेंथ पे चेंजेस नहीं होगा वेलोसिटी में किसी एक गिवन इंस्टेंट के ऊपर, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो. अब सेकेंड आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि जब किसी दिए गए समय पे हम एक लेंथ पे वेलोसिटी चेक करेंगे, तो हमें मालूम चलेगा कि उसमें फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं. जैसे मान लो एक पाइपलाइन है 10 मीटर की, तो हम चेक कर रहे हैं, तो भाई एक ही टाइम इंटरवल में दिख रहा है कि पहले मीटर में वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरे में कम हो रही है, तीसरे मीटर में ज्यादा हो रही है, ऐसे कि 10 मीटर का स्ट्रेच है और हर स्ट्रेच पे हमको फ्लक्चुएशन दिख रहा है. कि हम ये नहीं कह सकते कि पूरे 10 मीटर पे उसकी वेलोसिटी फिक्स है या कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस. ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल एस टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या हो गया कि अब वेलोसिटी स्पेस के साथ चेंज कर रहा है, कि भाई जितना स्ट्रेच दिए हो उस हर स्ट्रेच पे वेलोसिटी फ्लक्चुएट कर रही है. तो हम ये देख लेंगे कि भाई जब वेलोसिटी वेरी कर रहा है, तो वहां पे वो टाइम उस रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे. यहां पे
आई थिंक ये नोट हो गया आप लोगों का। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको डिफरेंस याद रखने का तरीका क्या है कि आप कंफ्यूज रहोगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर किसमें लेंथ था किसमें टाइम था, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ध्यान देना, नेम के ऊपर स्टडी और यूनिफॉर्म, स्टडी अनस्टडी में टी वर्ड आ रहा है, दिख रहा है ना, टी एक लेटर आपको दिख रहा है, तो टी यहां भी दिख रहा है यहां भी टी, और टी स्टैंड फॉर टाइम, उससे याद रहेगा कि सर स्टडी अनस्टडी टाइम के रिस्पेक्ट में चेक किया जाता है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में टी नहीं आ रहा है तो भाई बचा क्या है, इसके बाद लेंथ बचा हुआ है, तो इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें कॉन्स्टेंट होती है वेरी करती है, इसमें लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज या कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो स्टडी वाले में टी आ रहा है वर्ड, तो इसको ध्यान देना कि टी से मतलब टाइम, तो स्टडी अनस्टडी टाइम के ऊपर होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म आपका लेंथ के ऊपर होगा, तो ये आप देख सकते हो इतना, इससे आपको याद रहेगा कि एग्जाम में कहीं भूलेगा नहीं कि किसमें टाइम के रिस्पेक्ट में था किसमें लेंथ के रिस्पेक्ट में था। अब देखो दो तो हो गया आपका, स्टडी अनस्टडी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब आते हैं तीसरा जो है वो आपका है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो आपका, तो इसमें देखो क्या है आपका सिंपल, आप लोग जैसे लैमिनार और टर्बुलेंट को बताया जाए तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक तरीके से एक स्ट्रेट या स्ट्रीम लाइन फ्लो है और एक में जिगजैग मूवमेंट होती है। ठीक है, अब मैं उसको समझाता हूँ किस तरीके से आपको ये चीज समझ में आएगी। जैसे मान लो कि आप कोई फ्लो हो रहा है, अगर उसको ऑब्जर्व करना चाहो तो अगर हम फ्लो को लेयर वाइज ऑब्जर्व करें, जैसे मान लो एक ट्रांसपेरेंट पाइपलाइन ले लें, ठीक है, और हम उसको ऐसे देखें कि फ्लूइड जो है वो एक थिन शीट के रूप में, भाई 10-15 पेपर शीट ऐसे होती हैं, तो समझो कि ऐसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मतलब कि अगर 10 लेयर्स हैं तो हर एक लेयर में पार्टिकल्स होंगे फ्लूइड के। ठीक है, अगर उनका एक लेयर का पार्टिकल अपने ही लेयर में थ्रू आउट द लेंथ ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि L1 लेयर का पार्टिकल है और वो अपने ही लेंथ में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जैसे भाई अगर 10 स्टोरी बिल्डिंग है और हर स्टोरी पे एक आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, तो एक आदमी अपने स्टोरी पे दौड़ रहा है, दूसरा उस सेकंड फ्लोर पे, तीसरा थर्ड फ्लोर पे, ऐसे फोर्थ फ्लोर पे, ऐसे चलते जा रहा है 100 फ्लोर तक, तो हर एक आदमी अपने फ्लोर पे दौड़ रहा है, तो मतलब वो उस समय देखा जाए तो वो एक लैमिनार फ्लो कहलाएगा कि भाई हर एक पार्टिकल अपने लेयर में मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है टर्बुलेंट फ्लो। अब उसमें ऐसे रहेगा कि पहले फ्लोर का आदमी दूसरे पे पहुंच गया, दूसरे का तीसरे पहुंच गया, तीसरा वाला पहले पे आ गया, चौथा वाला दसवें चला गया, दसवां वाला छठवें पे आ गया, मतलब जिगजैग मूवमेंट हो गया कि एक आदमी ऐसे दौड़ना शुरू किया, ऊपर चला गया, फिर वहां नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, तो वहां पे क्या है कि पार्टिकल अपने लेयर में रिमेन नहीं हो पाते हैं, मतलब उनका फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है, मतलब इंटर जंपिंग शुरू हो जाती है कि भाई अगर 10 लेयर में फ्लो हो रहा होगा तो हर एक लेयर का पार्टिकल आपस में इंटर जंप कर रहा होगा, तो उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो ऐसे समझो, अगर मैं बना के दिखाता हूं इसको, ऐसे तीसरा वाला है ये आपका लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, देखिए अगर हम लैमिनार की बात करते हैं, लैमिनार फ्लो की, तो इसको अगर डायमेंशन देखो ऐसे,
इमेज तो ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, ये सब लेयर्स हैं इसके, ठीक है। इसको L1 कह लो, L2, L3, L4, L5, L6, ठीक है, छह लेयर्स हो गए, ठीक है। हर एक लेयर अपना फ्लो कर रहा है। अब मेरा कहने का मतलब ये है इसमें कि लेयर वन का जो यहां एक पार्टिकल होगा, ठीक है, वो फ्लो के दौरान लेमिनार में वो अपने ही लेयर में आगे बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली लेयर टू का पार्टिकल अपने लेयर में आगे बढ़ेगा। तो ये आपको दिखाई देगा कि भाई एक एक पतली पतली थिन शीट दिखाई देती है, ठीक है। ये आप ऑब्जर्व करोगे बहुत लो वेलोसिटी पे, जब वेलोसिटी एकदम कम हो और फ्लो एकदम स्टेबल हो जाए तब ये चीजें आपको ऑब्जर्व होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहा जाता है इसको, ठीक है, कि सारे के सारे फ्लूइड एक ही लेयर्स में पार्टिकल्स हैं और वो लेयर वाइज फॉर्मेशन करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसी का हम टर्बुलेंसी वाले में देखते हैं डायग्राम, तो टर्बुलेंट में क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट में अब ये ऐसे चलेगा, एक लेयर यहां शुरू हुआ, ये यहां चला गया, दूसरा यहां से ऐसे आ गया, तीसरा यहां चला गया, ठीक है, चौथा वाला यहां जाके ऐसे हो गया, पांचवा वाला ऐसे चला गया, ठीक, छठवां वाला ये ऐसे आ गया, सातवां वाला इधर चला गया, दिख रहा है ऐसे। अब यहां पे क्या हो गया कि सारे लेयर्स का इंटर जंपिंग हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात। अब देखो क्या हुआ, लेयर वन का पार्टिकल यहां से चला, लेयर टू को क्रॉस किया, थ्री को क्रॉस किया, फोर को क्रॉस किया, फाइव को क्रॉस करके आगे चला गया। ऐसे ही सेवन वाला चला तो ये सिक्स को क्रॉस किया, फाइव को क्रॉस किया, थ्री वाला गया तो ये टू, फिर वन से आगे चला गया। ऐसे ही देख रहे हो, इस तरह के जब फ्लो होंगे कि जिसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो अपने लेयर में ना रह के दूसरे के लेयर में इंटर जंप करते रहते हैं। तो जैसे टर्बुलेंसी आप देखो कि बहुत तेजी से पानी जब बह रहा होगा तो उसमें मूवमेंट होती है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिखाई देता है आपको वेव फॉर्मेट में, तो वो बहुत एक तरीके से देखते हो अनइवन चॉपी सरफेस बनता है, मतलब जिगजैग मोशन में मूवमेंट होता है, ठीक है। ये तरीके देखो तो ये आपका जिगजैग मूवमेंट है, ठीक है, मतलब इस तरीके से इंटरमिक्सिंग चल रही है इसमें। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि लेमिनार फ्लो का मतलब ये होता है कि जब सारे पार्टिकल्स अपने एक लेयर में ट्रेवल कर रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे लेमिनार फ्लो, और जब यही चीजें इंटर जंपिंग होना शुरू होंगे कि लेयर वन का पार्टिकल दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ऐसे इंटरमिक्स होकर फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब इसको फायदा नुकसान किसमें है, तो देखो दो एस्पेक्ट है समझने के इसको। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, आप देखो एक पार्टिकल का मोमेंटम होगा, वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कर रहा है, तो आप ऐसे देखो कि भाई एक आदमी है उसके आगे दस लोग खड़े हैं, आप एक को ढकेलोगे, दसों आदमी के ऊपर फोर्स लगेगा, वो अगले को ट्रांसफर करते जाएगा, तो वहां मोमेंटम एक्सचेंज प्रोसेस में ब्रेक डाउन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें लॉसेस कम होते हैं, कि एक का मोमेंटम दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, तीसरे का चौथे पे, तो वहां पे लॉसेस बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। टर्बुलेंट में क्या होता है कि आप एक को ढकेलते हो, वो चला गया नीचे गिर गया, फिर वो उठा दूसरे को ढकेला, दूसरा ऊपर चला गया, तीसरा दाएं चला गया, चौथा बाएं चला गया, तो ऐसे मतलब क्या है कि मोमेंटम एक्सचेंज ब्रेक कर रहा है, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, तो यहां पे एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। एक ये एक्सेप्ट एस्पेक्ट हो गया कि टर्बुलेंट में एनर्जी लॉस ज्यादा होता है क्योंकि इसमें आपके एडीज फॉर्मेशन ज्यादा होती है। जैसे आप पानी में देखते हो पानी ऐसे घूमता रहता है, नदी में देखोगे तो वाटर ऐसे घूम के आगे बढ़ता है सरफेस पे, तो वर्लपूल बनता है, ऐसे ही इंटरमिक्सिंग होती है, तो कुछ ऐसे एडीज बनते हैं, कुछ इस तरीके से इंटर जंपिंग हो रही होगी, ऐसे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होंगे, तो इस तरह घूमते हुए मतलब पार्टिकल ऑसिलेट करते आगे बढ़ रहा है। तो अब एक तो ये हो गया कि लेमिनार में लॉसेस कम होते हैं, टर्बुलेंट में लॉसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकली सोचा जाए इस तरीके से कि आपका कैसे ये चीजें चलेंगी, तो अगर हम किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में लेमिनार फ्लो डिजाइन करना चाहें तो नो डाउट हमें लॉसेस कम मिलेंगे, लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जहां कहीं भी फ्लूइड के फ्लो के लिए कोई सेटअप लगाते हो
तो आपको सबसे मेन होता है डिस्चार्ज। जैसे अगर आप पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हो तो आपको डिस्चार्ज का मतलब रेट ऑफ फ्लो चाहिए होता है। सिमिलरली गैस पाइपलाइन बिछा रहे हो तो वहां भी आपको रेट ऑफ फ्लो चाहिए होता है। तो अगर हम लेमिनार फ्लो वहां बनाने जाएंगे तो लेमिनार फ्लो के लिए वेलोसिटी बहुत कम करनी पड़ती है, ठीक है, मतलब एकदम नेक्स्ट टू स्टिल, पानी एकदम रुक रहा हो उस जगह पे, तो स्टिल लेवल मतलब एकदम रुकने वाला हो। तो अगर उतनी कम वेलोसिटी में हम फ्लो कराएंगे तो हमारा जो डिजायरेबल अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है वो कभी वहां पहुंचेगा ही नहीं। तो मालूम ये चलेगा कि आप इतना महंगा सेटअप बिछा रहे हो सप्लाई देने के लिए और लेमिनार फ्लो के चक्कर में वो सप्लाई इफिशियंटली वहां नहीं पहुंच पा रही या बहुत कम पहुंच रही है, ठीक है। ऐसे सोचो कि मान लो ये ऐसे दे रहा है कि एक लीटर पानी ये आधे घंटे में सप्लाई दे रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो अब सोचो आधे घंटे तक आपका मोटर चल रहा होगा, ठीक है, सप्लाई मिल रही होगी, तो आधे घंटे में लीटर सप्लाई देगा। अब टर्बुलेंट वाले में क्या है, ठीक है, लॉसेस होते हैं इसमें, लेकिन हम भाई इसकी जगह दो मोटर लगा देंगे इसमें, ठीक है, टर्बुलेंसी कवर करने के लिए, एनर्जी लॉस के लिए। लेकिन अब टर्बुलेंट होगा तो वो एक लीटर सप्लाई आपको एक दो सेकंड में मिल जाएगा। भाई एक लीटर सप्लाई मोटर ऑन करने कितना समय लगता है, 2 से 3 सेकंड। अब देखो तो 3 सेकंड में आपको उतना डिस्चार्ज मिल गया, यहाँ उसके लिए आधे घंटे आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो वो रनिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है उसकी, ठीक है। तो एक सेंस से देखा जाए तो लेमिनार फ्लो में लॉसेस कम होते हैं, लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पे जाएंगे प्रैक्टिकली तो वो ज्यादा पड़ता है, ठीक है। और लेमिनार फ्लो बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपको अगर आप लैब कभी करोगे या नेट पे आप लैब देखना है इसके बारे में, तो क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट पाइप ले लेते हैं, वेलोसिटी एकदम कम कर देते हैं तो पानी एकदम स्टिल लेवल में होके बहता है, ठीक है, और उसमें आप कोई कलर पिगमेंट कुछ भी डाई इंक कुछ भी डालोगे तो वो उसके साथ साथ जाएगा। तो जब वो स्ट्रेट लाइन जब जाना शुरू करेगा तब समझना कि वो लेमिनार हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग कलर घोलते हो बाल्टी में ना, जैसे आप डिटॉल डालते हो कोई भी एक फ्लूइड होगा तो देखते हो पानी में डालते ही वो पूरा घुल जाता है किस तरीके से, उसका आपको पैटर्न दिखता है। तो वो पैटर्न आपको स्ट्रेट लाइन करना है कि मतलब ऐसा वेलोसिटी रखा जाए कि वो एकदम स्ट्रेट जाए पार्टिकल। तो सोचो कितना स्टिल रखना पड़ेगा, मतलब कितना उसको सावधानी से स्टेबल रखना पड़ेगा ताकि तब हमें वो स्ट्रेट लाइन मोशन मिलेगा, ठीक है। इसको अगर लिखना हो तो नोट डाउन कर लो लेमिनार फ्लो के लिए। लेमिनार फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच लेमिनार फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ वेल डिफाइंड पाथ moves along a well-defined path or streamline, या तो well-defined path या उसी को हम लोग बोलते हैं streamline, and all these streamlines are straight and parallel, Thus, the particles moves in laminas, जैसे laminated sheet होती है ना, आप laminate कराते हो तो वो क्या एक पतली sheet होती है जिसको हम lamination बोलते हैं, तो उसी से ये बना है laminar, मतलब एक thin sheet हो जाएगी जिसमें वो चीज flow करेगा। Thus, the particles, मतलब अब ये कह दिया कि streamline में particle जा रहा है, तो अब ये होगा क्या कि all streamlines are parallel, सारे streamlines दिख रहे हैं ना parallel हैं, तो thus the particles move in laminas, laminas, or layers, gliding smoothly over adjacent layer, This type of flow is also called as streamline flow or viscous flow, streamline flow or viscous flow।
इसी को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, लैमिनार फ्लो को, या विस्कस फ्लो भी कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय विस्कस फ्लो, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। तो देगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, विस्कस फ्लो, ठीक है, ऑल दी अबव दे देगा, नॉन ऑफ दीज दे देगा। तो ये आपको देखना है कि लैमिनार फ्लो किसको कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो को भी कहते हैं और विस्कस फ्लो को भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं विस्कस फ्लो ही होता है, उसको हम लोग एज ए लैमिनार फ्लो कहते हैं। अब विस्कस फ्लो कैसे समझ सकते हो, आप लोगों ने टूथपेस्ट देखा होगा, पहले टूथपेस्ट आता था उसमें 3-4 कलर होते थे अंदर, अगर कोई लोग यूज किए होंगे तो उसमें कई कलर होते थे अंदर, रेड, व्हाइट, ब्लू। जब आप प्रेस करते थे तो आप देखते होंगे कि रेड का लेयर अलग निकलता था, व्हाइट अलग, ब्लू अलग, ऐसे होता था। तो वो सेम वैसे है कि वो एक ही लेयर में है, अगर वो मिक्स होकर निकलता तो अलग अलग निकलता, ठीक है। तो वैसे ही होता है वो विस्कस, मतलब जितना विस्कस होगा उतना लैमिनार फ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखो शहद हो गया, चॉकलेट सिरप हो गया, जितना विस्कोसिटी ज्यादा होगी उनको जब फ्लो कराओगे तो वो लेयर वाइज मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे बताया ना टूथपेस्ट वाला एग्जांपल, जिसमें 3-4 कलर होंगे तो देखोगे सब स्ट्रेट लाइन निकलेंगे, ठीक है। तो वही चीज है जिसको हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। अब आओ टर्बुलेंट वाले पे, सेकेंड वाला। टर्बुलेंट फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो, turbulent flow is that type of flow turbulent flow is that type of flow in which the fluid particle move in a zigzag way. turbulent flow is that type of flow in which fluid particles moves in zigzag flow, moves in zigzag flow. Due to the movement of particles in zigzag motion, due to the movement of particles in zigzag motion, the eddies formation takes place, which are responsible for the eddies formation takes place, which are responsible for high energy loss, which are responsible for High energy loss, ठीक है। टर्बुलेंट में इसी वजह से एडीज फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस ज्यादा होता है। अब देखो ये तो हो गया डिफिनीशन, अब इन दोनों को डिफाइन करने के लिए एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। एक नंबर होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। ये डायमेंशनलेस नंबर होता है, डायमेंशनलेस नंबर, जो ये डिफाइन करता है कि फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर इसको लिखते हैं आरई से, ये होता है रेशियो इनर्सिया फोर्स, इनर्सिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, इसका रेशियो होता है इनर्सिया फोर्स से विस्कस फोर्स का, ये रेशियो होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है आरई इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू, या ऐसे लिखते हैं वी डी अपॉन न्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो रो मान हो गया डेंसिटी, वेलोसिटी, डी हो गया डाया, म्यू हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी। रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर ऑफ द पाइप अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी, इधर वेलोसिटी इंटू डाया ऑफ द पाइप इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कुछ किया नहीं गया है, रो को नीचे लाओगे तो म्यू बाई रो होगा, उसको हमने न्यू लिख दिया है, ठीक है। तो ये होता है रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला, रो वी डी अपॉन म्यू या वी डी अपॉन न्यू, डी डायमीटर ऑफ पाइप है, वी वेलोसिटी, और रो हो गया आपका डेंसिटी। इससे हम निकालते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, इसी कोई डायमेंशन नहीं होता, देख रहे हो फोर्स अपॉन फोर्स का रेशियो है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए कहते हैं नॉन डायमेंशनल नंबर। और ये रेनॉल्ड्स ने प्रेजेंट किया था तो इसीलिए उनके नाम पे पड़ गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी रखते हैं, वेलोसिटी पुट अप करेंगे, डायमीटर पुट अप करेंगे, विस्कोसिटी पुट अप करेंगे, ठीक।
अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 आएगी आती है तो ये आपका हो जाएगा लेमिनार फ्लो। ठीक, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा आती है तो ये हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो 2000 से कम हुआ तो लेमिनार, 4000 से ज्यादा हुआ तो टर्बुलेंट। ये आपके पाइप फ्लो के लिए है। ठीक है, ओपन चैनल में ये वैल्यू 500 और 2000 के बीच में हो जाती है। तो अभी पाइप फ्लो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पाइप फ्लो के बारे में ही देख रहे हैं। अभी ओपन चैनल में लेमिनार के लिए 500 हो जाता है, टर्बुलेंट के लिए रीडिंग आपकी 2000 हो जाती है लिमिट। ठीक है, तो अभी आप लोग पाइप फ्लो पढ़ रहे हो, ओपन चैनल अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे तो वहां मैं इसको फिर से बताऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल ये जानो कि पाइप फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होनी चाहिए और टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यही अगर ओपन चैनल होगा तो 500 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2000। अब देखो इसके बीच में अगर होता है तब क्या होगा, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा हो और 4000 से कम हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, मतलब चेंजिंग फेज होता है, तो ये होता है ट्रांजिशन फेज। ये आपके ऑब्जेक्टिव में ज्यादा मिल जाएगा आपको पूछने के क्वेश्चन कि किस रेंज पे लेमिनार होता है, किस पे टर्बुलेंट होता है। तो 2000 से नीचे लेमिनार, 4000 से ऊपर टर्बुलेंट, इसके बीच में आता है तो आपका कह सकते हो कि ये ट्रांजिशन फेज में, यानी इस समय चेंजिंग फेज में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया लेमिनार और टर्बुलेंट। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए। ठीक, और लेमिनार फ्लो को बताई दिया आप लोगों को। तो ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये तीन तरह का था आपका फ्लो। अभी अभी इसमें कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, आपका रोटेशनल, इरोटेशनल, 1, 2, 3 डायमेंशनल फ्लो बचा हुआ है, तो उसको इसके लेक्चर नंबर 43 में कवर करते हैं, इसको पार्ट वन रह लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने तीन तरह के टाइप्स ऑफ फ्लो को देखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, रोटेशनल, इरोटेशनल और 1, 2, 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Gracias.